कई बार हमारे को शिकायतें प्राप्त होती है कि मावा नकली है या मिठाई में कुछ मिलावट है। इसके लिए आज हमने कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग भी रखी है, जो भी 2:30 बजे हमारे मीटिंग है। इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। देखिए कि हमारा शुद्ध के लिए तो अभियान शुरू से ही चल रहा है, लेकिन दिवाली का जो त्यौहार आ रहा है उसके तहत कई बार हमारे को शिकायतें प्राप्त होती है कि मावा नकली है या मिठाई में कुछ मिलावट है। इसके लिए आज हमने कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग भी रखी है, जो भी 2:30 बजे हमारे मीटिंग है, जिसके जो कमेटी है इसमें SP साहब हैं, जिला रिषद अधिकारी हैं, हमारे DLR हैं, APP साहब हैं और कलेक्टर साहब खुद हैं। तो उसके अंदर आज इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी, सडन इंस्पेक्शन भी किए जाएंगे, सडन छापे भी मारे जाएंगे। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों से भी आगाह करता हूँ कि अगर उनको कुछ सूचना मिलती है कि मिठाई मिलावट के है या इसमें कुछ खराबी है तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम में सूचना दें या मुझे भी सूचना दें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार से किसी दोषियों बक्सा नहीं जाएगा और उम्मीद यह है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो शहरवासी हैं उनको शुद्ध और अच्छी मिठाई मिले। उसके लिए आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है कि कहीं भी अगर आप कहीं से दुकान से ले रहे हैं तो 1 या 2 रुपये कम के चक्कर में ना पड़े, ये जरूर देख लें कि मिठाई जो हम ले रहे हैं वो शुद्ध होनी चाहिए, किसी प्रकार की मिलावट ना हो। सर, मिठाई पर जो टैग लगाए जाते हैं उन टैग के लिए भी उनका इंस्ट्रक्शंस हैं, भी उनमें उनका भी अपने कोशिश कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि जो सरकार के जो नियम हैं उसकी पालना कराई जाए। और उसके लिए हमने अपने फूड इंस्पेक्टर्स को बोला है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी आज भी हमने, परसों हमने सैटरडे को अजमेर में लगाया था, आज हमने सरवाड़ केकड़ी में भी कैंप लगाया ताकि मतलब मैक्सिमम लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनको भी इस बारे में आगाह किया जा सके।